हिंदुस्तान ये पर्दन छोटा सा, एकदम छोटा सा है हिंदुस्तान, और ये पूरा जलमग्न है, पूरी पृथ्वी लगातार ऐसे से हिलती रहती है, जैसे कोई नाव में बैठे तो नाव छपक 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 छपकता रहता है पानी, वैसे पूरी पृथ्वी है। और ये जो जमीन के टुकड़े हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन के टुकड़े अपनी जगह बदलते रहते हैं। आज वर्तमान में ये स्थिति है, नहीं नहीं अलग हैं, एक एक गेंद है, एक गेंद है जी, ग्लोब ज्यादा समझ में आता, एक गेंद है, उस गेंद पे आप समझिए ये बने हुए हैं जमीन के टुकड़े, और इन सब के बीच में पानी है, तो पानी ज्यादा है और जमीन थोड़ी थोड़ी है, और चूंकि पृथ्वी लगातार मूव कर रही है, एक दिन में पृथ्वी मूव कर जाती है एक बार, और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, तो एक साल में 365 दिन में वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा देती है, और अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो पृथ्वी में मूवमेंट है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो स्थिति है ये हमेशा से नहीं थी। वैज्ञानिकों का कहना है ये सब बदलता रहता है, कुछ हजार वर्षों में ये लोकेशन फिर बदलेगी। पृथ्वी तैरती क्या है, पूरा का पूरा वो जैसे बर्तन में आप पानी भर के बर्तन को घुमा दें, इतनी तेज स्पीड से घुमाएं कि कुछ छलकेगा ही नहीं, उसमें एक बल है, पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो चीजों को खींच के रखती है अपनी तरफ। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, कितने महाद्वीप हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात महाद्वीप हैं। द्वीप किसे कहते हैं, देखें ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, और ये चारों तरफ पानी से ढका हुआ है, देख रहे हैं, इसे ही द्वीप कहते हैं। जैसे श्रीलंका, लंका एक द्वीप था, उसके चारों तरफ समुद्र था, और वो समुद्र खाई की तरह काम करता था उसके लिए। द्वीप कहते हैं उस जगह को जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप। वह भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप। इसको लिख लें, द्वीप, ये ब्रैकेट में है लिखा आइसलैंड, द्वीप, और ब्रैकेट में लिख देंगे ISLAND, आइलैंड, आइलैंड लिखें, भूमि का वह टुकड़ा जो अपने चारों ओर पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। देखें ये टुकड़ा है जमीन का, और ये पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये टुकड़ा इतना बड़ा है कि इसमें कई राष्ट्र बने हुए हैं, कई पहाड़ हैं, इसलिए ये द्वीप ना होकर के महाद्वीप कहलाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप ये है अफ्रीका, सभ्यता का उदय
वैज्ञानिक लोग अफ्रीका में मानते हैं। साहब जी, इसमें एशिया से भी ज़्यादा राष्ट्र हैं। क्षेत्रफल में ये है एशिया को। अच्छा, 53 राष्ट्र अकेले अफ्रीका में हैं। इस महाद्वीप में सभ्यता का उदय सबसे पहले हुआ और खनिज संसाधन जितने इनके यहाँ हैं वो और जगह नहीं हैं। आज की तारीख में सबसे पिछड़ा यही है। और कभी आप राजीव दीक्षित को सुनिएगा, उनकी अच्छी स्टडी थी। उन्होंने बताया है कि इसके राष्ट्रों को कैसे अंग्रेजों ने काटा है, अलग किया, विभाजित किया है। अंग्रेजों का इसमें राज्य हुआ करता था, तो जब वो छोड़ करके जाने लगे तो जैसे भारत और पाकिस्तान को उन्होंने बंटवारा किया, दो हिस्सों में बांटा, वैसे ही अफ्रीका को बुरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया, एकदम सीधे सीधे काट दिया, एकदम सीधे सीधे। आप इसमें ये प्राकृतिक नक्शा है, इसका एक राजनीतिक नक्शा भी होता है। ये थोड़ा सा नक्शा गलत आ गया है, उसमें आप देखेंगे कैसे बांटा है, एकदम खड़े खड़े बांट दिया, जल्दी जल्दी बांट करके भाग गए। किसी का खेत इस देश में है तो गांव उस खेत में, उस देश में चला गया, ससुराल तीसरे देश में चली गई और बीच में सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। ये 7 महाद्वीप हैं, 1, 2, 3, 4, ये है एशिया, 5, ये है यूरोप, 6, और ये नीचे का हिस्सा है। इतने सारे महाद्वीप हैं, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा। हाँ, ये पूरी पृथ्वी ऐसे ऐसे चलती है गोल गोल। आप लिख लें महाद्वीप, पहले नंबर पे डालें 7 महाद्वीप। उत्तर अमेरिका, देखिए अमेरिका एक राष्ट्र भी है, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये 2 महाद्वीप हैं। अमेरिका अपने आप में एक राष्ट्र है। ये जो ये हिस्सा दिख रहा है इसमें कई राष्ट्र हैं, लेकिन सबसे बड़ा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पीछे वालों को कुछ खास समझ में नहीं आता होगा, बहुत दूर हैं वो। उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, इसमें एक राष्ट्र भी है, उसे अमेरिका कहते हैं, जिससे हम सब परिचित हैं। उसके अलावा वहाँ पर मैक्सिको है, कनाडा है, दूसरे राष्ट्र भी हैं, लेकिन अभी हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ उत्तर अमेरिका। दूसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, तीसरे नंबर पर अफ्रीका, ये है अफ्रीका, चौथे नंबर पर यूरोप, पांचवे नंबर पर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अंटार्कटिका। ये
ये जो नक्शा है ये कैसे है, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, ये हिस्सा पूरब है और ये हिस्सा पश्चिम है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप समझिए भारत का नक्शा जैसे है एकदम, इधर पूरब हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है, उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। ये 7 महाद्वीप हैं, इनमें छोटे बड़े बहुत सारे राष्ट्र हैं, बाकी सब तो अलग अलग हैं, लेकिन यूरोप और एशिया वो मिले हुए हैं, उसमें विभाजन नहीं है, अलग अलग नहीं है। अब ये जो समुद्र है जी, हाँ श्रीलंका एशिया में है, ये सब ये हिस्सा, ये सब हिस्सा एशिया में ही आता है, चीन है, मंगोलिया है, भारत है, जापान है, और इधर ये पूरब के राष्ट्र हैं साउथ कोरिया वगैरह, वो सब एशिया में आते हैं। और ये साहब जी रूस, हाँ कुछ कुछ ऐसा हिस्सा है जिसे यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया मतलब यूरोप धन एशिया दोनों में आते हैं, उसको यूरेशिया कहा जाता है। जैसे नदी बहती है तो नदी तो नहीं बहेगी कि पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान है, नदी तो हमेशा से बहती रही है। अब उसको कभी आपने कह दिया ये पाकिस्तान हो गया है, कभी इसको कहते थे ये कही है। तो यहाँ पर कई ऐसे राष्ट्र हैं जो यूरेशिया में आ जाते हैं, यूरोप और एशिया का मिला जुला, संस्कृति उनकी यूरोप की है लेकिन भौगोलिक तौर पे वो एशिया में हैं, जैसे तुर्की, तो वो सब भी स्थितियाँ हैं। अब लिख लें समुद्र, महासमुद्र, महासमुद्र कितने हैं, महासागर ये 2 महाद्वीप हैं, जैसे इसमें इसमें अमेरिका देश है, जिस अमेरिका की आप चर्चा कर रहे, जिस अमेरिका की आप चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम सब आप परिचित हैं, वो छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, बस छोटा सा हिस्सा है, और उसमें 50 राज्य हैं, छोटे छोटे 50 राज्य हैं। उन 50 राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपस में मिल करके एक साथ रहने का निर्णय लिया। हर राज्य का 2 सांसद होता है, 50 राज्य हैं, कुल मिलाकर के 100 सांसद हो जाते हैं उनके। कोई निर्णय लेना होता है तो 100 लोग मिलकर के राजी होते हैं। तो वो छोटा सा राज्य है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यहाँ पर है बस। इसके अलावा भी इसमें और भी राष्ट्र हैं, दक्षिण अमेरिका है, इसमें अनेक राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उन सब के अपने राष्ट्रपति हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये एक ही भूलैंड में, भूमिखंड में आते हैं बस। जब कभी अमेरिका के बारे में चर्चा होगी तो फिर उसमें विस्तार से अलग चीज़ें बताएंगे। महासागर लिखें, महासागर कितने हैं। अब देखें ये सब पानी पानी ही है, पृथ्वी में अगर आप देखें तो 75% तो पानी ही पानी है उसमें। अब उसको लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं, ये है जो अमेरिका को घेरे हुए है, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो एक नंबर पर लिख लीजिए प्रशांत महासागर। ये जो हिस्सा है सबसे गहरा,
इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। तीसरा ये है हिंदुस्तान की सीमा से लगा हुआ एक समुद्र है हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिया का असर है यहाँ पर, तो इसको हिंद महासागर कहते हैं। और एक ये महासागर इधर है ऊपर वाला है, इसे आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक। आर्कटिक ये हिस्सा है, ये भी महासागर जो है ऊपर का है। अब देखें जो इसमें भूरा भूरा दिखता है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और जो हरा हरा दिखता है वो घास का मैदान है। ये जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा दिखता है, कोई भी जमीन होती है, कोई पठारी होती है, कोई पहाड़ी होती है, कोई समतल होती है, जो जमीन समतल होगी उसमें हरे हरे मैदान होंगे, और जो भूरा भूरा हिस्सा है ये देखें, यहाँ पर एक पर्वत है, इंडीज पर्वत कहते हैं उसको, बहुत लंबा है, पूरे दक्षिण अमेरिका को कवर करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, कई राष्ट्र आते हैं इसमें, तो यहाँ भूरा भूरा दिखाया है इन्होंने। ये जो हरा हरा दिखा रहे हैं ये किसी नदी का हिस्सा है। कुछ ऐसी नदियां हैं जो कई राष्ट्रों को पार होती है, एक नील नदी है अफ्रीका में, वो 9 राष्ट्रों में पार होती है, 9 कंट्रीज, यहाँ कहीं से चलती है और होते 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 इस समुद्र में आकर के मिलती है, 9 राष्ट्रों से पार होते हुए चलती है नील नदी। वैसे यहाँ अमेजन नदी है, वो भी कई राष्ट्रों को पार होकर चलती है, तो उसकी वजह से हरियाली रहती है। तो ये जो नक्शा है ये बहुत कुछ पृथ्वी को शो करता है, इसकी जैसी स्थिति है जमीन की वैसे है। भारत में दिखाया है, देखिए अब नज़दीक से कभी देखेंगे, बहुत सारी नदियां हैं, जो जो नदियों वाला हिस्सा है उसमें हरियाली रहती है, और बाकी हिस्से में क्या दिखाया है, पठार है, पहाड़ है, हिमालय का पर्वत है, एकदम भूरा भूरा दिखाया है। कभी अवसर होगा तो एक ग्लोब ले आएंगे, मैं ही लाऊंगा, उसको रख देंगे कहीं, उसको आप घुमा घुमा कर देखेंगे। ग्लोब ऐसे बनाया जाता है जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर होती है, 23.5 डिग्री झुकी रहती है, वैसे ही बनाया जाता है ग्लोब, एकदम थोड़ा सा झुका हुआ, और उसको आप घुमा करके देखते जाएंगे, आपको राष्ट्र दिखते जाएंगे उसमें, कौन सा राष्ट्र कहाँ है, किसकी कितनी दूरी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था थोड़ा सा, क्या साहब जी, क्या क्या चीज, हाँ महासागर, 1, 2, 3, 4, 4-5 ही हैं, वो हैं तो एक्चुअली वो माना दो ही को जाता है, एक प्रशांत महासागर को माना जाता है, एक अटलांटिक महासागर को, और तीसरा ये है हिंद महासागर, बाकी सब इसी के हिस्से हैं। अब एक और निकल करके आ रहा है अमेरिका के पास वाला, उसको अमेरिका कहता है, इसको भी महासागर मानो। हाँ 7 समुद्र हो गए ना, देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिण प्रशांत, इसी को दो हिस्से में कर लिया है। जो मैंने प्रशांत महासागर लिखवाया है उसको दो में कर लीजिए, अगर कर लें, अगर उत्तरी अमेरिका के पास है तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका के पास है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, जो अटलांटिक लिखवाया है वो ऊपर वाला है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे वाला दक्षिण अटलांटिक, तो चार। रमेश साहब उठकर आइए, थोड़ा आइए, गिनिए नज़दीक से, गिनिए जरा, नहीं नहीं एक ही हो गया, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, दो उत्तरी अटलांटिक, 3, 4, ये 4, 5, ये 5, ये 6, ये 6, और ये ऊपर वाला ये जो हिस्सा रहता है 7, ये भी तो है क्या, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहाँ से लगा हुआ है, लगा ये ऐसे गोल घूम जाता है ना, तो ये हिस्सा यहाँ से जुड़ जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 समुंदर पार में अरब सागर कैसे कहें, जैसे इस तरह छोटे छोटे बहुत से हैं, इनको जो है
दरिया कहा जाता है, दरिया, दरिया मतलब ये समुंदर नहीं है, समुंदर से छोटे हैं ये, हमने ये महासागर गिनाए साहब जी, ये महासागर हैं। उसका नाम ही अरब सागर है, तो सागर मतलब सागर, ये हम लोग महासागर की बात कर रहे हैं अभी। देखें ये नक्शा, ये गलत नक्शा है, इस नक्शे को नहीं माना जाता अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के पास चला गया है, ये जो हिस्सा है चीन के पास चला गया है, तो ये एक मुंडी इधर कट गई है, एक मुंडी इधर कट गई है, सिर्फ इतना है हमारे पास, इसलिए मैंने कहा यह नक्शा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नक्शा मान्य नहीं है, लड़ाई इसी बात को लेकर के है। ये जो हिस्सा है जो दिख रहा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये जो हिस्सा है ये चीन ने कब्जा कर लिया है। अब ये जो बस्ता है ये हमारा है, और लड़ाई जो पाकिस्तान से होती रहती है वो इसी के लिए होती रहती है। इधर कश्मीर में श्रीनगर है, इधर मुजफ्फराबाद है, जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद, वो यहाँ पड़ता है, और श्रीनगर यहाँ पड़ता है। तो ये नक्शा नहीं सही है, लेकिन माना जाएगा, हिंदुस्तान इसी को दिखाता है। अब देखिए ये तो अभी की बात हुई, जो अभी तक हम लोगों ने इतिहास में थोड़ा सा पढ़ा है मौर्य वंश के बारे में, नक्शा तो पता है ना शुभेन, भारत नक्शा देखे हो, कुछ ऐसे ऐसे है ना मुकेश, जान रहे हैं ना इसको उपेन साहब, भारत का नक्शा ऐसे ही है कुछ, आपका प्रांत ये है, यहाँ और आप बैठे हैं यहाँ। ये तो हिंदुस्तान की सीमा हो गई, और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा, ये जो दिख रहा है रंग बिरंगा, ये भारत है, और ये पानी है, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान, ये है पाकिस्तान, ये हिस्सा, और ये हिस्सा है अफगानिस्तान। 2000 साल पहले भारत का नक्शा ऐसे हुआ करता था, ऐसे, ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो जिसको आना होता था, अभी तक जो हमने चर्चा की है उसमें कोई दिल्ली तक नहीं आया है, सिकंदर आया है तो बस यहीं तक आया है, कहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में सिंधु के आसपास तक, वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो सिंधु नदी है, उसमें कई नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, और सिंधु के तट से जो रहते थे उनको सिंधी कहा गया, वो सिंधी जो हिंदू थे वो भाग करके भारत आ गए थे, और जो मुसलमान थे वहीं रह गए, जैसे परयानी साहब, परयानी जी हमारे सिंधी थे, उनके पुरखे सिंध के पास के थे, वो स्वयं सिंध की पैदाइश थे। तो ये हिस्से में लोग आते थे आक्रमण करते हुए, ये जो पुरु की चर्चा किया, आम्भी की चर्चा किया, तक्षशिला की चर्चा किया, वो सब यहाँ हैं, वो यहाँ नहीं है कुछ भी अभी। जो हड़प्पा मिला, जो मोहनजोदड़ो मिला, वो सब इस बेल्ट में है। मैंने उस दिन कहा था कि हिंदुस्तान का दाहिना कंधा, मतलब ये हिस्सा, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जितने भारत में आक्रमण हुए, देखिए ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, समुद्र से भारत के में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, इधर से भी कोई नहीं आएगा, इधर से हिमालय है, हिमालय को चढ़ना नामुमकिन जैसे हुआ करता था, इधर से भी कोई खतरा नहीं होता था, सिर्फ एक साइड बचता था,
ये साइड, यहां पर एक जगह है, पतली सी जगह, खैबर दर्रा कहते हैं। खैबर दर्रा ऐसा है कि 10 आदमी एक साथ जाएं तो नहीं जा सकते हैं, इतना पतला है। और उसके दोनों तरफ दुर्गम घाटियां हैं, उनमें कबीलाई लोग रहते हैं जो एकदम हिंसक होते हैं। तो जो आदमी भी आया है वही खैबर दर्रे से होते हुए आया है। ये है वो जगह जो हमारा कभी हुआ करता था, अब नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में अफगानिस्तान ने लड़ाई करके वो स्वतंत्र हो गया। इतने जैसे अभी तालिबान अफगानिस्तान में हैं और अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में है, तो वो दाढ़ी वाले और 8-8, 7-7 फुट के मुसलमान अमेरिका की हालत ख़राब कर दिए हैं, मार मार करके उनका गुदा निकाल दिए हैं। वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, वो भाग गए वहाँ से। अभी जो राष्ट्रपति आया है उसने कहा अफगानिस्तान की चाहे जो हालत हो जाए हम अपने सैनिकों को यहाँ से हटा लेंगे। अफगानिस्तान कहता है कुछ दिन और रहने दो, वो कहता नहीं रहने देंगे। इतनी खतरनाक बेल्ट है, मुसलमान खूंखार कबीलाई वही संस्कार पहले वाले। तो वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बेल्ट है जो कि अभी तक इतिहास में पढ़े हैं, अभी यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ की कोई चर्चा नहीं है हमारे पास, दिल्ली की चर्चा। ये नक्शे यहीं लगे रहेंगे कहीं भी, तो आप लोग उसको देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे ऐसे आवश्यकता पड़ेगी। कल कुछ प्रश्न लिखवाए गए थे, उन प्रश्नों को पढ़ें। सुकरात और प्लेटो में क्या संबंध था? उन दोनों में, वो दोनों एक दूसरे से संबंधित थे ना। सुकरात गुरु था और प्लेटो शिष्य था उनका, तो सुकरात और प्लेटो में क्या संबंध था गुरु और शिष्य का? सुकरात किस राज्य के निवासी थे? दीपेन साहब, सुकरात किस राज्य के निवासी थे? हाँ, एथेंस। एथेंस एक नगर है जो यूनान में पड़ता है, वो वहीं के निवासी थे। नगर राज्य का मतलब यह होता है कि नगर है, छोटा है, लेकिन राज्य इस अर्थ में है कि उसके अपने नियम कानून है, उसका अपना राजा है, इसलिए है तो छोटा सा नगर है, इलाहाबाद नगर। तो नगर तो है लेकिन इसका अपना एक राजा होगा और वो स्वतंत्र होगा। कौशाम्बी वाला आदमी आकर के यहाँ अधिकार नहीं जताएगा, यहीं का राजा अपनी प्रजा के लिए है। तो नगर राज्य, तो उसको स्टेट कहा गया है, सिटी स्टेट। हाँ, नगर निगम हो गया, महानगर हो गया। आबादी किसी जगह को गांव या शहर बनाती है। आबादी उस समय गांव का प्रयोग उसके लिए नहीं है यूनान के लिए, वो नगर राज्य का प्रयोग है, सिटी स्टेट स्टेट। और पूरे यूनान में लिखा है कि 100 से ज़्यादा नगर थे, आपस में वो महाभारत होती रहती थी, लेकिन जब ईरान में लड़ाई करनी होती थी तो सब अपने अपने सैनिक भेज देते थे। जैसे सिकंदर था, सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर यूनान में मैसिडोनिया का था, मैसिडोनिया एक जगह, मकदूनिया का राजा था वो। सिकंदर का पिता फिलिप मैसिडोनिया का राजा था, मैसिडोनिया से था सिकंदर। वो एथेंस में आता है, एथेंस का छोटा सा हिस्सा है। सुकरात के किन शिष्यों ने उनके बारे में लिखा है? साहेब, हाँ, थोड़ा जोर से बोलें। प्लेटो और जेनोफन, उन दोनों शिष्यों ने सुकरात के बारे में। रामेश्वर साहिब जी,
सुकरात के किन शिष्यों के बारे में लिखा है? प्लेटो ने लिखा है। दूसरा नाम फिर से बताएं साहब। प्लेटो और जेनोफन। लिख के बताइए जेनोफन कैसे लिखेंगे। और छोटा लिखिए। मैं कैसे लिखा करता हूं बड़ा बड़ा? हिरेन साहब दिख रहा है क्या लिखा है? बोलिएगा। नहीं दिख रहा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और बड़ा लिखिए। दिख रहा है क्या लिखा है बताइए? जेनोफन। ठीक है सर। हाँ जेनोफन ने लिखा है। जेनोफन ने संस्मरण लिखा है। संस्मरण, संस्मरण। किताबें तो प्लेटो की हैं, उनके संस्मरण हैं जेनोफन के। इंग्लिश में रेमिनेंसेस कहते हैं। सुकरात अन्य दार्शनिकों से किस प्रकार भिन्न थे? चूड़ामणि साहब, सुकरात अन्य दार्शनिकों से किस प्रकार भिन्न थे? सुकरात लोकतंत्र नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? लोकतंत्र जो लोकतंत्र दास प्रथा, जो ये प्रश्न है सुकरात अन्य दार्शनिकों से किस प्रकार भिन्न थे, तो आपको पहले अन्य दार्शनिक बताने होंगे। आपकी कॉपी में 4-5 दार्शनिक लिखे गए हैं। हेराक्लिटस, पार्मेनिडीज, एनाक्सागोरस, पाइथागोरस, और उनकी विशेषताएं लिखी गई हैं। सोमेन साहब, सुकरात अन्य दार्शनिकों से किस प्रकार भिन्न थे? आपने कुछ कहा है, बात सही है उसमें, कुछ और आप बताएं किस प्रकार भिन्न थे। उन्होंने कहा सुकरात आत्मवादी थे। आत्मवादी होना एक बड़ी बात है। सुकरात आत्मवादी थे, आत्मा के अस्तित्व को, उसके पुनर्जन्म को स्वीकारते थे। यह एक पॉइंट है। और दूसरी बात, अच्छा लिखे हैं बताएं। हाँ जोर से पढ़ें। थोड़ा जोर से बोलें। पहली बात जो उन्होंने कही, आत्मवादी थे। दूसरी बात आप क्या कहते हैं, पैसा लेकर के ज्ञान बेचते नहीं थे। मतलब जो उनके यहां सोफिस्ट थे, उनसे वो अलग थे। सोफिस्ट जैसे नहीं थे। रमेश साहब, सुकरात अन्य दार्शनिकों से कैसे भिन्न थे? कोई और बात? देखिए, दार्शनिक की जो परिभाषा है वो कैसे कही है प्लेटो ने, साहब ने बताया, सद्गुण, सद्गुण की चर्चा करते थे वो, और खास बात मृत्यु से भय नहीं करते थे। मौत के सामने सब कुछ फेल हो जाता है, लेकिन सुकरात मृत्यु से नहीं डरे। एक मैंने शायद चर्चा नहीं की है, एक ये नाम है एनाक्सागोरस, ये विचारक था, एथेंस का निवासी तो नहीं था,
लेकिन एथेंस में बुलाया गया था। राजा को बड़ा शौक था दार्शनिकों को अपने अपने राज्य में बुलाने का। एनेक्सागोरस को बुलाया। एनेक्सागोरस कहा करता था, ये सूरज क्या है? ये जलता हुआ पिंड है। चांद, चांद पे तो अपनी रोशनी है ही नहीं, वो दूसरे की रोशनी से चमकता है। इनको पूजने की क्या जरूरत है? ये सूरज और चांद जो पूजते हो। उसकी ये जो बातें थी एनेक्सागोरस की, उस जमाने में वहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राजा से कहा, एक ऐसा आदमी बुला लिया है आपने, ये तो देवी देवता ही नहीं मानता है, सूरज और चांद को ही नहीं मानता है ठीक से। राजा ने उसे बुलाया, समझाया, देखिए आप हमारे राज्य में हैं, हमारे अतिथि हैं। उसने कहा, क्या झूठ बोलना शुरू कर दूँ क्या? अतिथि हूँ, तुम सत्कार करते हो, तो क्या मैं झूठ बोलना शुरू कर दूँ? जैसा है चांद सूरज वैसा बता रहा हूँ। तो निर्णय हुआ कि इसको मरवा दो, इसको मरवा दो। तो उसने कहा, एक सुकरात जा चुका है, मुझे सुकरात बनने का शौक नहीं है। और वो रातों रात जहां से आया था वहीं भाग गया। एशिया माइनर का वो आदमी था, राजा ने बुलाया था, वो फिर से भाग गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और दूसरी बात, मुझे सुकरात बनने का शौक नहीं है, और चला गया। सुकरात कैसा आदमी था? वो मृत्यु से भय नहीं किया। उसने कहा, क्या पता मृत्यु महत्वपूर्ण हो जीवन से ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं सुकरात अन्य दार्शनिकों से किस प्रकार भिन्न थे? और किसने लिखा है ये? हाँ बोलें, जोर से बोलें तुरंत। शुभेन कुछ करते हो? हाँ, थोड़ा पॉलिटिकल हो गया ये, थोड़ा राजनीतिक ढंग है। क्या लिखे हो जल्दी बोलो। धीरेन्द्र साहब कुछ लिखे हैं क्या? क्या लिखे हैं बोलें? इसको लिखेंगे इस तरीके से, वो आत्मवादी थे, सोफिस्टों की तरह ज्ञान बेचते नहीं थे। तीसरा, सद्गुण संपन्न जीवन को मूल्य देते थे। और चौथा, मृत्यु से भयभीत नहीं थे। ये चार पॉइंट लिखें। रमेश साहब कुछ जोड़ने लायक हो जोड़ लीजिएगा, लिखवा दूं। लिखें, सुकरात और अन्य दार्शनिकों में अंतर। सुकरात और अन्य दार्शनिकों में अंतर। इसमें प्रश्न लिखे हैं क्या आप? इसमें एक नंबर, सुकरात आत्मवादी थे, दूसरा नंबर, सुकरात अन्य लोगों की तरह सोफिस्ट लिख देंगे क्या? सोफिस्टों की तरह, ये सोफिस्टों की तरह पैसे लेकर ज्ञान नहीं बेचते थे। तीसरी बात, सुकरात सद्गुण संपन्न जीवन को महत्व देते थे। चौथा, सुकरात
जीवन और मरण दोनों को एक समान मूल्यवान समझते थे। वे मृत्यु से भयभीत ना थे। मेरा ख्याल है इतना इतना पर्याप्त है उसके लिए। अगला प्रश्न है, यूनान के लोकतंत्र में क्या कमियां थीं? अनुराग साहब कुछ लिखते हैं, यूनान के लोकतंत्र की क्या कमियां हैं बताएं, क्या कमी थी? उसको ना देखें, बिना देखे बताएं, अपने आप सोच करके। गुरुवेंद्र साहब इस प्रश्न को कई बार पूछा, कई बार इस पर चर्चा किए कि वहां जो लोकतंत्र था वो कैसा लोकतंत्र था, उनकी जो आबादी थी उस आबादी में 2 लाख लोगों को कोई अधिकार नहीं था, और जो अधिकार था वो थोड़े से मुट्ठी भर लोगों को था, बाकी सब दास और स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं। तो जो लोकतंत्र था उस लोक वह मुट्ठी भर लोगों का लोकतंत्र था, स्त्रियों को और एक बड़ी संख्या में दासों को कोई अधिकार नहीं था। जब ये देश आजाद हुआ, गणेश कब देश आजाद हुआ था, किस दिन याद है तारीख, तुम थे कि नहीं थे? 1900 पक्का? जब देश आजाद हुआ तो उस समय जो देश की साक्षरता दर थी, जो पढ़े लिखे लोगों की जो दर थी वो बहुत कम थी। 38 करोड़ हिंदुस्तानियों में मुश्किल से 5 करोड़ लोग पढ़े लिखे थे, बाकी नहीं। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो अपने यहाँ तुम संविधान लागू करोगे उसमें अनपढ़ लोगों को कोई राजनीतिक अधिकार मत देना, अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार मत देना। इनसे क्या मतलब है, ये तो कुछ समझते नहीं हैं। अधिकार की बात तो वही करेगा जिसके पास पढ़ा, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास खाने को हो। ये तो भेड़ बकरियों जैसे लोग हैं, इनको क्या मतलब है कौन राजा है। तो गांधी जी ने कहा कि इन्हीं भेड़ बकरियों से तो मैंने तुमको भगाया है, जिनको तुम भेड़ बकरी कह रहे हो इन्हीं लोगों का सहयोग लेकर के तुम लोगों को यहां से भगाया गया है। बस इतना ही तो है कि वो अक्षर नहीं पहचानते हैं। और जब संविधान लागू हुआ और देश में कानून बना, जब वोट का अधिकार मिला, तो उनका अच्छा एक काम कर सकते हो, पढ़े लिखे लोगों को कि एक आदमी का वोट दो आदमी के वोट के बराबर हो, और अनपढ़ आदमी का वोट एक। जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी हो वो जब वोट डालने जाए तो उसका वोट 2 मिले, और अनपढ़ आदमी हो तो उसका 1। उनका ये भी नहीं होगा, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हो दोनों की वोट की कीमत 1 होगी। उन लोगों ने कहा तुम्हारा संविधान चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, देखते हैं। संविधान लागू हुआ, अब तक चल रहा है, सब बढ़िया है। वो चाहते थे कि यही प्रथा यहां भी लागू हो, गरीब आदमी को गरीब ही बना रहने दो, उसका कोई राजनीतिक अधिकार ना हो।
ये सब चीज़ें इतिहास का हिस्सा हैं, बहुत पहले की बात नहीं, अभी 60-70 साल पहले की। जैसे उन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांट दिया, वैसे ही गरीब और अमीर की खाई हमेशा बनी रह जाती। तो यूनान के लोकतंत्र में क्या कमियां थीं? पहली कमी तो ये थी कि वहाँ ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना? लोकतंत्र में क्या कमियां थीं? पहली कमी तो ये थी कि वहाँ सबको समान अधिकार नहीं था। स्त्रियों को और दासों को कोई भी अधिकार नहीं था। 2,30,000 की आबादी में मुश्किल से 15-20,000 लोगों के पास ही सारे अधिकार थे, बाकी सब जानवर जैसे थे। कैसा लोकतंत्र था? हाँ, सिर्फ साहब जी ने कहा ना, पुरुषवादी संस्कृति। ब्राह्मणी नहीं पढ़ सकती। हाँ, वो बेटा पैदा करेगी तो बेटा अधिकारी हो सकता है, लेकिन उसकी जो बहन होगी, उसकी जो बेटी होगी, उसको कोई अधिकार नहीं। सोफिस्ट का क्या, हेराक्लिटस का चिंतन लिखें। हेराक्लिटस का चिंतन क्या था? और कौन लिखे हैं साहब? लिखे तो हैं। हेराक्लिटस का चिंतन इस प्रकार है, यह संसार नित्य गतिमान है, इस सृष्टि को किसी ईश्वर या प्राणी ने नहीं बनाया। हाँ, प्रकृति के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। आप एक ही नदी में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते, वह पानी तो आगे बढ़ गया। ऑल थिंग्स आर फ्लोइंग, सब कुछ प्रवाहमान है। यही चीज है, ये सब लिखा हुआ है। गणेश डायरी लाए थे, उसके बाद फिर लाए नहीं, सेकेंड टाइम टाइम नहीं है, लाए हैं, कल दिखाना। सात समुद्र क्या? सात समुद्र नाम है ना? तो अभी तो कुछ और चर्चा हो रही है क्या? अभी तो कुछ और चर्चा हो रही है। सोफिस्ट का अर्थ सोफिस्ट का अर्थ करमचंद साहब, व्यवहारिक ज्ञान की वो जानकारी दिया करते थे पैसा लेकर के, खासकर मुकदमों के लिए ये उनका काम हुआ करता था। एथेंस की प्रमुख सोफिस्ट का नाम प्रोटागोरस। प्रोटागोरस सोफिस्टों के मुखिया माने गए। एथेंस की कुल जनसंख्या 2,30,000, इसमें लिखना चाहिए 2,30,000, जिसमें मात्र 20,000 के आसपास लोगों को राजनीतिक अधिकार थे, बाकी दास और स्त्रियां थीं। सुकरात के ग्रंथों के नाम बताएं, ये प्रश्न का लिखवाया गया। ये इसलिए लिखवाया गया कि एक जगह इसमें लिखवाया गया था कि सुकरात ने कहा, लिखा कुछ भी नहीं। इस एक वाक्य के लिए यह लिखवाया गया, सुकरात के ग्रंथों के नाम बताएं। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह प्लेटो के ग्रंथों से मिलती है, और सुकरात ने सिर्फ कहा, लिखा नहीं। सुकरात के साथियों ने अगर लिख लिया होता तो उनकी पुस्तक हो जाती। जो प्लेटो है उसमें सुकरात की आत्मा थी। प्लेटो के ग्रंथ हैं, मैंने लिखवाया था रिपब्लिक,
और लॉस मतलब लॉ माने कानून नियम, और फिडो, ये जो ग्रंथ हैं दोनों, मैंने कैसे कहा कि सुकरात की आत्मा रहती थी उसमें, उसने जो भी ग्रंथ लिखे संवाद रूप में लिखे। संवाद मतलब दो आदमी हैं, एक सुकरात रहता था उसमें, मुख्य पात्र सुकरात रहता था, और दूसरा उनका प्रतिद्वंदी रहता था, वो दोनों से बातचीत कराते थे। तो सुकरात को उन्होंने जिस ढंग से जीते हुए देखा था उसी ढंग से उन्होंने चित्रण किया है। तो ये एक संस्मरण है उनका फिडो, जिसमें उन्होंने सुकरात पर लिखा है, सुकरात पर लिखा है, और इन दोनों में सुकरात की बातें हैं। अगर वो चाहते तो लिख सकते थे सुकरात की वाणी, जैसे कबीर साहब की वाणी उनके शिष्यों ने, उनके साथियों ने लिखी। सुकरात ने दार्शनिक किसे माना और कौन लिखे हैं प्रश्न उत्तर, कौन किए हैं प्रश्न उत्तर, कोई किए हैं? शुभेन बताओ, ये प्रश्न किए हो? हाँ, सुकरात ने दार्शनिक किसे माना है जो आत्मज्ञानी हो और मृत्यु से भय ना करता हो, उनकी नजर में वही दार्शनिक है। आत्मज्ञानी हो पहली बात, और मृत्यु का भय ना जिसे सताता हो, वह सुकरात के लिए दार्शनिक है। एथेंस और स्पार्टा में अंतर, एथेंस में लोकतंत्र था, स्पार्टा में कुलीन तंत्र था, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे।